नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 सितंबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में भूमि पंजीकरण के नए नियम इस दिन से होंगे लागू। यूपीआई से अब 5 लाख रुपए तक का कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। बिहार के एक्टर संजय मिश्रा ने खरीदी धांसू कार। आज बिहार में 3 वंदे भारत ट्रेन का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। स्कूल में सही व्यवस्था नहीं पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने बीईओ को कर दिया सस्पेंड। आधार कार्ड अपडेट करने की बढ़ी डेडलाइन। कपिल शर्मा शो में नजर आएंगे भारतीय टीम के ये सितारे। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इसरो ने 10वीं पास वालों के लिए निकाली भर्ती। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 103 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कई पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर है। इस भर्ती के लिए किसी तरह के शुल्क नहीं लगेंगे। पदों के मुताबिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कुछ पदों के लिए 10वीं पास, तो कुछ पदों के लिए ITI, तो कुछ पदों के लिए डिप्लोमा, तो कुछ के लिए ग्रेजुएशन, ME, MTech, MBS, MBBS की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु सीमा किसी पद के लिए 28, तो किसी पद के लिए 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जो लीची की भूमि के नाम से जाना जाता है। यदि आपको कभी इस जिले में जाने का मौका मिलता है तो आप यहां कई दर्शनीय स्थल घूम सकते हैं। इन पर्यटन स्थलों में बसो कुंड, जुब्बा सहनी पार्क, शहीद खुदीराम स्मारक, बाबा गरीबनाथ मंदिर, रामचंद्र शाही संग्रहालय, लीची गार्डन और श्री चतुर्भुज स्थान मंदिर शामिल है। इसके अलावा इस जिले में देवी मंदिर और माँ मनोकामना मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। यदि आप कभी इस जिले में जाने का मौका आपको मिलता है तो इन स्थानों पर जा सकते हैं। बिहार में भूमि पंजीकरण के लिए नए नियम इस दिन से होंगे लागू। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच अब प्रदेश में सरकार ने नए भूमि पंजीकरण के नियमों को लागू किया है। ये नियम 24 सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि भूमि निबंधन नियमों में फरवरी महीने में बदलाव किए गए थे, लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं आया था, जिसके बाद अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि बिहार में 6 महीने के अंदर पुराने नियमों के तहत जमीन की रजिस्ट्री होगी, लेकिन इसके बाद भूमि निबंधन पुराने नियमों के अनुसार नहीं बल्कि नए नियमों के अनुसार प्रविष्टि होगी। आपको बता दें कि नए नियम के तहत अधिकांश भूमि पंजीकरण प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाती हैं, इसलिए लोगों को सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। UPI से अब 5 लाख रुपए तक का कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। डिजिटल युग में लोग अब बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो कैश में पैसे रखते हैं और UPI के माध्यम से ही ज़्यादा लेन देन करते हैं। पहले UPI के जरिए 1 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता था, लेकिन अब NPCI ने इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। ये नया नियम रविवार 15 सितंबर से लागू हो रहा है। NPCI के अनुसार ये सुविधा कुछ विशेष श्रेणियों के लिए उपलब्ध होगी, जैसे टैक्स भुगतान केवल रजिस्टर्ड व्यवसायियों के लिए, मेडिकल बिल भुगतान, शिक्षा संस्थानों की फीस और IPO या सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। ये बदलाव RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के 8 अगस्त को किए गए ऐलान के तहत हुआ है, जो UPI भुगतान को और भी सरल बना सकता है। बिहार में दूसरे राज्य के प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की हो रही जांच। बिहार में 32,500 शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। ये वो शिक्षक हैं जो बिहार में दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र पर नियोजित हुए हैं। निगरानी विभाग ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उनके प्रमाण पत्र की पुष्टि मांगी है। विभाग जानना चाह रहे कि प्रमाण पत्र उनके संबंधित विश्वविद्यालय और कॉलेजों से जारी हुए हैं या नहीं। अब तक करीब 2000 से अधिक प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। निगरानी विभाग ने लगभग 6 लाख प्रमाण पत्रों की जांच की है। आज बिहार में 3 वंदे भारत ट्रेन का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। आज प्रदेश में 3 वंदे भारत ट्रेन का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन गया नवादा किउल के रास्ते वाराणसी और देवघर के बीच चलेगी। इसके अलावा दुमका होकर भागलपुर हावड़ा, वंदे भारत और गया हावड़ा के मध्य चलेगी। इस ट्रेन के समय सारणी को लेकर पुमरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 02:03:04 गया हावड़ा वंदे भारत गया से 11 बजे
खुलकर 12:05 पर कोडरमा, दोपहर 1:25 पर पारसनाथ, 2:30 धनबाद, 3:40 पर आसनसोल, 4:25 पर दुर्गापुर रुकते हुए शाम में 7 हावड़ा पहुंचेगी। 18 सितंबर से 22:03, 22:04 हावड़ा गया हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन किया जाएगा। इसके अलावा 02249 वैद्यनाथ धाम वाराणसी वंदे भारत का उद्घाटन स्पेशल वैद्यनाथ धाम से 11 खुलकर सुबह 11:15 बजे जसीडीह, दोपहर 1:20 पर क्यूल, 3:15 पर नवादा, 4:25 पर गया, 6:15 पर सासाराम और शाम में 7:55 पर DDU रुकते हुए रात के 9 वाराणसी पहुंचेगी। बिहार के तेज तरार अधिकारी नैयर हसनैन खान को मिली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति। बिहार के तेज तरार IPS अधिकारी नैयर हसनैन खान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। ये 1996 बैच के IPS अधिकारी थे। अभी ने केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति मिली है। इस पद पर नैयर हसनैन खान 5 तक अपनी सेवा देंगे। बीते दिन गृह विभाग ने इस संबंध में विरमित पत्र को जारी किया है, जहां से ये जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार में ये आर्थिक अपराध इकाई में ADG के पद पर तैनात है। कमेटी से रिपोर्ट मिलने के बाद पैक्सों में कर्मियों और प्रबंधकों को मिलेगा वेतन। बिहार में पैक्सों में कर्मियों और प्रबंधकों के वेतन मान तय करने के लिए कमेटी का गठन कर उसे जल्द रिपोर्ट देने की बात कही गई है। इन सभी कर्मियों का वेतन रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार द्वारा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पैक्स के लाभांश से उन्हें उनका मानदेय मिलता है। मालूम हो कि बीते कुछ समय से पैक्सों की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। पैक्स धान खरीद के साथ ही पेट्रोल पंप, जन औषधि केंद्र, CSC, राशन, खाद बीज की दुकान का संचालन भी करते हैं। आधार कार्ड अपडेट करने की बढ़ी डेडलाइन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन को 14 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। 10 साल से पुराने आधार कार्ड जिनमें गलत विवरण है उन्हें अपडेट करना अनिवार्य है। इसके बाद मुफ्त सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और बदलाव पर ₹50 का जुर्माना लगेगा। आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको अपने आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को लॉगिन करना होगा और अपडेट विकल्प पर क्लिक करें। सही जानकारी की पुष्टि करें या बदलाव के लिए दस्तावेज अपलोड करें। आपको 14 का ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। अगर आपका आधार कार्ड पुराने फोन नंबर से जुड़ा है तो आपको निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपडेट कराना होगा। एस सिद्धार्थ के इस फैसले से प्रदेश के 998 स्कूलों का होगा फायदा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के 998 स्कूलों पर प्रभाव पड़ेगा। इससे प्रदेश के कई SC ST वर्ग के बच्चे लाभान्वित होंगे। दरअसल KK पाठक जब अपर मुख्य सचिव थे तब उन्होंने उन स्कूलों का विलय कर दिया था जिन स्कूलों का अपना भवन नहीं था। इन स्कूलों में मुख्य रूप से SC ST वर्ग के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब स्कूलों में आ रही परेशानियों के आलोक में सभी जिलों को ऐसे स्कूल के रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई थी, जिसके बाद अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर 2661 विलय हुए हैं। विलय स्कूलों में 998 स्कूलों को विलय मुक्त कर दिया गया है। साथ ही जिन स्कूलों का अपना भवन नहीं है उसके लिए भवन निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित होगा भव्य फिलाटेली प्रदर्शनी। 18 और 19 सितंबर को नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। नालंदा डाक प्रमंडल के अधीक्षक कुंदन कुमार ने बताया कि ये पहली बार है जब नालंदा विश्वविद्यालय में इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने कहा, ये आयोजन न केवल डाक विभाग के लिए गर्व का पल है बल्कि विश्वविद्यालय के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रदर्शनी के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय के विशेष कवर आकर्षण का केंद्र होगा। बता दें कि इस 2 दिवसीय जिला स्तरीय फिलाटेली प्रदर्शनी का उद्देश्य प्राचीन ज्ञान की धरोहर को संजोना और वर्तमान की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। किसी को बिना बताए चुपके से देख सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स के लोगों का व्हाट्सएप स्टेटस। व्हाट्सएप अक्सर अपने प्लेटफॉर्म पर कई बदलाव करते रहता है। शुरू में व्हाट्सएप केवल 4 के वीडियो कॉल का समर्थन करता था, जिसे कोविड के दौरान 16 और अब 32 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह ग्रुप साइज को भी 100 से 512 कर दिया गया है। व्हाट्सएप ने सोशल फीचर्स भी जोड़े हैं, जैसे स्टेटस अपडेट जो इंस्टाग्राम स्टोरीज की तरह 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। यदि आप अपने दोस्तों के स्टेटस को बिना
उन्हें बताए देखना चाहते हैं तो आप रीड रिसीट्स को बंद कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप में सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद अकाउंट में जाएं, फिर प्राइवेसी में जाकर रीड रिसीट को बंद करें। इससे आपके दोस्तों को पता नहीं चलेगा कि आपने उनका स्टेटस देखा है, लेकिन आप भी उन लोगों के बारे में नहीं जान पाएंगे जिन्होंने आपका स्टेटस व्यू किया है। बिहार के एक्टर संजय मिश्रा ने खरीदी धांसू कार। बिहार के एक्टर संजय मिश्रा ने एक एसयूवी कार खरीदी है। दरअसल इन्होंने नई जीप रूबिकॉन एसयूवी खरीदी है। इस एसयूवी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर फैंस तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि कार की शुरुआती कीमत 71,65,000 रुपए है। मालूम हो कि बिहार के एक्टर संजय मिश्रा ने अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीता है। संजय मिश्रा आज इंडस्ट्री में किसी के मोहताज नहीं है। जहां संजय मिश्रा ने धमाल, ऑल द बेस्ट और गोलमाल जैसी कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों को गुदगुदाया है, वहीं आंखों देखी और मसान जैसी फिल्मों के जरिए अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया। बिहार राजस्व विभाग ने लिपिक को निलंबित किया। रोहतास के दिनारा के चकबंदी कार्यालय में कार्यरत निम्न वर्गीय लिपिक नागेश्वर नाथ सिंह को घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। वीडियो के वायरल होने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तत्काल एक्शन लिया। विभाग के निदेशक चकबंदी ने नागेश्वर नाथ सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस संदर्भ में विभाग ने एक पत्र जारी कर बताया है कि ये कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 9 के तहत की गई है। निलंबन अवधि के दौरान नागेश्वर नाथ सिंह का मुख्यालय संयुक्त निदेशालय चकबंदी गया निर्धारित किया गया है और उन्हें इस दौरान केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही प्रदान किया जाएगा। स्कूल में सही व्यवस्था नहीं पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने बीईओ को किया सस्पेंड। शिक्षकों की उपस्थिति मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करवाई जा रही है। बावजूद इसके कई स्कूली शिक्षक अपने रवैये से बाज नहीं आ रहे। अभी हाल में ही सिवान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में उन्होंने 4 शिक्षकों की अनुपस्थिति का जिक्र किया, साथ ही स्कूल की खराब व्यवस्था का भी जिक्र किया। इसमें बताया गया कि क्लास खाली रहने के बावजूद भी बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाया गया। क्लास ब्लैक बोर्ड की कालीकरण नहीं की गई थी, वहां चौक और डस्टर भी उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा स्कूल की साफ सफाई में भी कमी दिखी, जिससे पता चलता है कि श्रवण कुमार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सिवान स्कूलों का सही ढंग से निगरानी और अनुश्रवण नहीं कर रहे थे। इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, इस मामले में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बिहार के इन जिलों से होकर गुजरेगा उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बीच बनने वाला एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हुआ है। इस प्रस्तावित एक्सप्रेस का ज़्यादातर हिस्सा बिहार में रहेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में बिहार के 8 जिलों के 305 गाँव आएंगे। इसका DPR तैयार किया जा चुका है। DPR के मुताबिक बिहार में 2,755 हेक्टेयर निजी और 168 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए कुल 2,923 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार में पश्चिम चंपारण के 15 गांव, पूर्वी चंपारण के 69 गांव, शिवहर के 7 गांव, सीतामढ़ी के 33 गांव, मधुबनी के 66 और सुपौल के 43 गांव, अररिया के 47 व किशनगंज के 25 गांवों से होकर गुजरने वाला है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से यूपी और पश्चिम बंगाल जाना आसान हो जाएगा। यूपी से होते हुए एक्सप्रेसवे पश्चिम चंपारण के नौतन होते हुए बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार के जमुई के लाल को गूगल ने दिया 2 करोड़ का पैकेज। बिहार के जमुई जिले के झांझा प्रखंड क्षेत्र के जामु खरैया गांव के निवासी अभिषेक कुमार को गूगल ने 2.07 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। अभिषेक अब गूगल के लंदन स्थित ऑफिस में अपनी सेवाएं देंगे। बता दें कि अभिषेक कुमार की प्रारंभिक पढ़ाई जमुई से ही हुई थी। उन्होंने NIT पटना से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मालूम हो कि पहली बार नहीं है कि अभिषेक को किसी दिग्गज टेक कंपनी ने इतना बड़ा पैकेज ऑफर किया है। 2022 में उन्हें Amazon ने से 1.08 करोड़ रुपए का पैकेज मिला था। अभिषेक ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। CBSE 11वीं 12वीं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई शुरू। CBSE क्लास 9वीं और 11वीं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसकी जानकारी CBSE द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट नोटिस से मिली है। दरअसल नोटिस के मुताबिक रजिस्ट्रेशन विंडो 18 सितंबर को खुलेगा। बच्चे 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाना होगा। बच्चों को तय समय सीमा में रजिस्ट्रेशन करने की सलाह दी जाती है। आज प्रदेश के इन जिलों में मौसम को लेकर येलो अलर्ट हुआ जारी।
बिहार में मौसम में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में भी कई जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिली। मॉनसून अपने अंतिम चरण में एक बार फिर से प्रदेश में प्रभावी होता नजर आ रहा है। मॉनसून के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आज गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और मुंगेर जिले में किया दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहने की बात कही गई है। जाने पैन कार्ड में कैसे घर बैठे करे करेक्शन। भारत में पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो टैक्स और बैंक संबंधी कामों के लिए काम आता है। अगर पैन कार्ड में कोई गलती है या जानकारी अपडेट करनी है तो आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको NSDL पैन की आधिकारिक वेबसाइट www.onlineservices.nsdl.com पर जाना होगा और चेंज या करेक्शन पैन डेटा लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर मौजूदा पैन डेटा में सुधार का विकल्प चुनना होगा। पैन नंबर दर्ज करें और जरूरी जानकारी अपडेट कर दें। इस दौरान जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट की जरूरत होगी। फीस भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें और एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करें जिससे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। बढ़ते अपराधों के खिलाफ आज राजद निकालेगी राजभवन मार्च। आज बिहार में बढ़ते अपराध के मामले और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ राजद राजभवन मार्च निकालने वाली है। ये मार्च दोपहर 12:30 बजे निकाली जाएगी। पार्टी वीरचंद पटेल पथ स्थित प्रदेश राजद कार्यालय से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राजभवन मार्च निकालने वाले हैं। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीनू यादव ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मार्च में करीब 10,000 कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। राजभवन मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। राजभवन मार्च के बाद राज्यपाल के नाम पार्टी की तरफ से ज्ञापन सौंपा जाएगा। जदयू राजद के बीच वीडियो वॉर। अभी हाल में ही राजद ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें सीएम नीतीश कुमार राबड़ी देवी के सामने हाथ जोड़े खड़े दिखाई दे रहे थे। अब इसी के जवाब में जदयू ने भी एक वीडियो तेजस्वी यादव की जारी किया है जिसमें तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को जारी करते हुए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि यदि आप ट्वीट करके कुछ पूछिएगा तो ट्वीट करके ही जवाब मिलेगा और यदि कोई वीडियो जारी कीजिएगा तो हम भी वीडियो जारी करेंगे। राजद ने जो वीडियो जारी किया था उसमें ऑडियो नहीं था, लेकिन हमने जो वीडियो जारी किया है उसमें ऑडियो वीडियो दोनों है। तेजस्वी यादव खुले मन से नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। ये प्रमाणित करता है कि सच्चाई कहाँ है। जमीन सर्वे पर पप्पू यादव का बयान, इस सर्वे से किसी का भला नहीं होने वाला है। बीते दिन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग और पार्टियां केवल वीडियो पॉलिटिक्स में व्यस्त हैं और उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की राजनीति लोकतंत्र और राजनीति के लिए नकारात्मक है। पप्पू यादव ने गठबंधनों पर भी सवाल उठाया है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये बेमेल गठबंधन है और इनमें नैतिकता की कोई जगह नहीं है। वहीं पप्पू यादव ने बिहार में चल रहे विशेष जमीन सर्वे पर बोलते हुए कहा कि इस सर्वे से किसी का भला नहीं होने वाला है। कपिल शर्मा शो में नजर आएंगे भारतीय टीम के ये सितारे। इंडियन कपिल शर्मा शो के दूसरे सीजन में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि कपिल शर्मा का ये दूसरा सीजन 21 सितंबर से शुरू होने वाला है। इसका प्रोमो वीडियो लॉन्च किया जा चुका है जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे और साउथ इंडस्ट्री व भारतीय टीम के सितारे नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में भारतीय टीम से रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, अक्षर पटेल दिखाई दिए। इन सभी खिलाड़ियों से कपिल शर्मा ने पूछा कि पिछली बार जब आप यहाँ आए थे तो भारतीय टीम रनर अप रही थी, इस बार आप चैंपियन बनकर आए हैं, तो क्या आपके लिए ये शो लकी रहा। कपिल के इस सवाल पर सभी हंसते हुए नजर आए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1959 में भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत INS दिल्ली बम्बई के बंदरगाह पर पहुंचा था। आज के दिन वर्ष 2009 में बेंगलोर के मंदिर शिवराजी ने सब जूनियर ब्रिलियर्स का खिताब अपने नाम किया था। आज के दिन भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार वर्मा का वर्ष 1905 में जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1876 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। ये भी एक भारतीय उपन्यासकार थे।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स, भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है काठमांडू। इसका सही उत्तर है दिल्ली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगी? ऑप्शन ए सौम्य शर्मा, ऑप्शन बी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी एस जयशंकर। इसका सही उत्तर है एस जयशंकर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है असम। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था? ऑप्शन है पावापुरी, ऑप्शन बी है पुष्पपुरी, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन डी है प्राच्य। इसका सही उत्तर है प्राच्य। 1857 के विद्रोह में बिहार में किस जमींदार ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी है पीर अली, ऑप्शन सी है वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है रविशंकर, रामनवमी मांझी, सोनू राज, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोतीलाल कुमार, शोभानंद ठाकुर, ललन पासवान, अनवर करीम खान, रवि कुमार, सादुल्ला पालवी, जगदीप कुमार, श्याम पुद्दार, राम बाबूदास। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपने दूरदर्शन पर आने वाले प्रोग्राम को देखा है? अगर हाँ तो आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा था? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।